IBC 24 फूड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है। भाई एक बार फिर से आज मैं आ चुका हूँ बोल बेबी बोल में, और यहाँ के अगर आपको कॉम्बोस ट्राई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। कॉम्बो ही ट्राई करने के लिए मैं आया हूँ, और आज इसमें वीडियो में ट्राई करूँगा पनीर मखनी राइस बोल। भाई किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा पूरा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है देखने में, तो मैं टेस्ट आपको उसका वीडियो में आगे बताऊँगा, प्लस लोकेशन किस जगह पर ये आउटलेट है ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। बहुत कम कॉस्ट में बहुत ताबड़तोड़ चीज़ खाने के लिए आज मिलने वाली है। तो भाई आप वीडियो को प्लीज़ पूरा एंजॉय कीजिएगा, और IBC 24 फूड को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। तो ये आप सबके लिए रेडी हो रहा है ये पनीर मखनी राइस बोल, और सबसे पहले ये जो कढ़ाई है इसमें आ चुका है देसी घी। खुशबू से ही समझ आ रहा है यार, देसी घी की खुशबू जो रहती है ना एकदम शानदार रहती है, और उसमें जो खाना बनता है उसका मज़ा ही अलग रहता है। तो सबसे पहले आ गया है इसमें राइस, और इसको दिया जा रहा है जीरा फ्राई। उसके बाद इसमें डाला है नमक, थोड़ी सी फिर धनिया पत्ती इसमें डली है, तो एकदम गर्मा गर्म राइस आ चुका है बोल में, और देख सकते हो क्वांटिटी क्या है। और इसके बाद इसमें आएगा पनीर मखनी, तो भाई एकदम शानदार कॉम्बो होने वाला ही है। अब आ चुका है दूसरा पैन, और इसमें तैयार किया जाएगा हमारे लिए पनीर मखनी। तो सबसे पहले आ चुका है इसमें गार्लिक, उसके बाद में थोड़ा सा जिंजर, और उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च। तो जो टमाटर वाली ग्रेवी रहती है प्री कुक्ड है, और इसको डाल दिया गया है इस पैन में। उसके बाद ये इसमें ऐड किया जा रहा है इनका एक सीक्रेट मसाला, जो कि इस पनीर मखनी की जान है। चल रहा है इसमें नमक, उसके बाद इसमें डली है कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो भाई जो नाम है ना इसका मक्खन, और वो आ रहा है इसमें अमूल का, तो आप देख सकते हो एक चम्मच भर के इसमें अमूल का मक्खन डल गया है। उसके बाद इसमें डल रही है अमूल की फ्रेश क्रीम, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पनीर ब्रेड किया जा रहा है। अभी इसमें डाल रहा है फ्राई किया हुआ है पनीर वो। तो फाइनली पनीर मखनी राइस बोल हो चुका है रेडी, और अब इसको ट्राई करते हैं अपन। देखने में जो सर्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा आप बोलेंगे अट्रैक्टिव लग रही है। भाई सैलड इस तरीके से सर्व किया गया है, ग्रीन चिली से और लेमन है, तो थोड़ा सा लेमन पहले अपन ऐड कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद में अपन करेंगे इसको ट्राई। तो लेमन थोड़ा सा ऐड कर लिया है, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से इसको। तो आ गया है छोटा सा पीस पनीर का भी, और इसको अब जल्दी से करते हैं अपन ट्राई।
जो पनीर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो ग्रेवी का टेस्ट है ना, कसम से अल्टीमेट लग रही है भाई। मक्खन का आपको स्वाद इसमें आएगा, और साथ में जो जीरा राइस देसी घी में फ्राई किया गया है भाई, उसका भी अपना अलग ही मज़ा है। तो अगर आपको भी ये कॉम्बो ट्राई करना हो तो आप आ सकते हैं क्रिस्टल आर्केड में, बोल बीबी बोल के नाम से जो ये आउटलेट है वहाँ पर, और आपको दूसरे नंबर की शॉप दिख जाएगी अगर आप शंकर नगर से लोधीपारा चौक की तरफ जाएंगे क्रिस्टल आर्केड से होते हुए। तो भाई आप भी जल्दी से आ जाइए, ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इससे पहले यहाँ का राजमा चावल ट्राई किया था, और कॉम्बो में कश्मीरी राजमा चावल था वो, और साथ साथ फ्राइड राइस और मंचूरियन का भी वीडियो मैंने बनाया था। वो दोनों वीडियोज़ आप इस वीडियो के लास्ट में देख पाएंगे, बहुत मज़ेदार था और बहुत कम उसकी कॉस्ट थी। इसकी कॉस्ट की बात करूँ मैं, पनीर मखनी राइस बोल जो है भाई मात्र 199 रुपये में आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, और आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी सकते हो किस तरह से इसको सर्व किया गया और क्या क्वांटिटी दी गई है। तो भाई जल्दी से आ जाइए और आप भी ट्राई कर लीजिए ये पनीर मखनी राइस बोल। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और IBC 24 फूड को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।